चलो भैया यहीं पे रोक दीजिए। अरे रेखा तू इतनी जल्दी आ गई। अरे दीदी काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए जल्दी आ गई। अच्छा चल ठीक है। कितने पैसे हुए भैया? 210 रुपए मैडम। 210। बस बहुत हुआ, अब मैं पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। नौकरी जाती है तो जाए, आई डोंट केयर। अरे रेखा तुम तो परसों आने वाली थी। हाँ बस जल्दी आ गई, पापा के बगैर मन ही नहीं लग रहा था तो सोचा जल्दी से आ जाओ। ओके। अरे रेखा कैसे हैं आंटी आप? कैसा रहा तुम्हारा कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस तो बहुत अच्छा रहा, बस एक ही प्रॉब्लम थी वहाँ नेटवर्क ही नहीं आता था। ये सब छोड़िए और ये बताइए कि पापा कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? अच्छे हैं। आप मेरे बिना उन्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं, हम सब थे ना उनकी देखभाल करने के लिए। वो तो है। चलो मैं चलती हूँ। ओके बाय। अरे रेखा तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ट्रिप कैसी रही? ट्रिप वाज गुड। पापा से बात हुई आपकी? हाँ हाँ, मेरी आज सुबह ही दीनदयाल जी से बात हुई। तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। एक्चुअली मैं भी पापा को बहुत मिस कर रही थी इसीलिए जल्दी आ गई कॉन्फ्रेंस से। लेकिन अब मैं जल्दी आ गई ना, देखना कैसे उन्हें सरप्राइज करती हूँ। चलो बाय बाय। पापा कहाँ चले गए? पापा कहाँ हो? पापा ओ हाय, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। पापा आपके घर आए हैं क्या? पापा नहीं तो क्या? पापा घर पे नहीं है? पापा घर पे नहीं है, मैं इधर चेक करती हूँ। अरे रेखा क्या हुआ? कस्तूरी पापा को देखा तुमने? नहीं तो घर में ही होंगे। नहीं घर पे नहीं है पापा। ध्यान से देखो घर पर ही होंगे। पापा पापा पापा
खेलना बंद कीजिए, बाहर आइए, बाहर आइए। किधर है आप? पापा, पापा किधर हो? किसी भारी चीज से सर पे वार किया गया है। मार्श, चेक करो, देखो बॉडी पे कोई और निशान है क्या? शरीर पे कहीं भी कोई और निशानी है सर। मतलब सर हाथापाई हुई ही नहीं, खूनी ने एकदम से कुछ उठाया और मार दिया, नहीं तो शरीर पे कहीं ना कहीं खरोंच के निशान तो होते। कई बार हाथापाई में खरोंच के निशान नहीं भी आते हैं। इतना तो तय है इसको मारा कहीं और है और वहां से यहाँ पे लाके इसको डाल दिया है। कुछ तो कोशिश की होगी इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए। घर चेक करते हैं, शायद कोई निशान मिल जाए। सर वंश, बॉडी को भिजवाने का इंतजाम करो। सर अंदर कुछ नहीं है। ये टेबल क्लॉथ इस तरफ खिंचा हुआ है। चप्पल, ये दीनदयाल जी की चप्पल है क्या? जी सर, ये पापा का ही है। लगता है जो कुछ भी हुआ है यहीं पे हुआ है। शायद दीनदयाल जी यहां पे बैठे होंगे और खूनी यहां दरवाजे से अंदर आया और यहां पे किसी बात पे उनसे बहस हुई होगी और दीनदयाल जी जब पीछे मुड़े होंगे तो खूनी ने ये भारी सा ऑब्जेक्ट उठाया और उनके सिर पे दे मारा। इसकी वजह से दीनदयाल जी यहाँ पे गिरे होंगे और गिरते समय उन्होंने ये टेबल क्लॉथ पकड़ा होगा और यहाँ पे इसके बाद खूनी ने उनकी बॉडी ऊपर रखती। रेखा जी, क्या आपकी आप दीनदयाल जी की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं सर। कोई पुराना लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं सर, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। कमाल है, किसी से कोई लड़ाई भी नहीं हुई, लूटपाट भी नहीं हुई, तो खून के पीछे मकसद क्या है?
क्या हुआ सालुंखे? काम धंधा छोड़ के ऐसे उदास क्यों बैठा है तू? नहीं नहीं, मैं उदास नहीं बॉस, मैं चिंता में। गर्लफ्रेंड छोड़कर गई क्या? गर्लफ्रेंड तो आपकी दया से पहले ही छोड़ के चली गई थी। अरे तो फिर चिंता किस बात की है डॉक्टर साहब? अभिजीत, मुझे चिंता इस बात की है कि जैसे इन बुजुर्ग को मार दिया गया, वैसे कोई कभी मुझे भी मार दे। मैं भी तो अकेला रहता हूँ। मरने से डरता है बॉस? मैं मरने से नहीं डरता। अच्छा बता, क्या पता चला लाश से? बॉस इनका पोस्टमार्टम किया है मैंने। इनका खून किसी आदमी ने किया है। इनके हाथों में से मुझे चमड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा और खून मिला है जो किसी आदमी का है। और क्या पता चला? सर पे लगी हुई चोट इनकी मौत की वजह नहीं। तो फिर मौत की वजह क्या है? सर पे लगी चोट सिर्फ एक बहाना है। ये कमजोर थे, सर पर चोट लगी, बेहोश हो गए। लेकिन काफी समय तक बेहोशी की हालत में प्लास्टिक में पड़े रहे, इसलिए इनका दम घुट गया। तो मौत की असली वजह दम घुटना है। अगर कोई बेचारे को उसी वक्त हॉस्पिटल में ले जाता तो शायद जान बच जाती इनकी। वैसे मौत हुई कब, कितने दिन पहले? सर एक हफ्ता हो चुका है इनकी मौत को। क्या? एक हफ्ते पहले? कमाल है सर, इनकी मौत एक हफ्ते पहले हो गई और वहां बिल्डिंग में किसी को पता भी नहीं चला। वही तो अभिजीत, एक हफ्ते पहले मौत हुई है तो लाश इतनी सड़नी चाहिए कि इसकी बदबू पूरी इलाके में फैलनी चाहिए। लेकिन सर जब हम लोग वहां पहुंचे थे इनकी लाश के पास तो बदबू तो नहीं आई। बदबू कैसे नहीं आ रही थी अभिजीत, 7 दिन पुरानी लाश, तो फिर बदबू नहीं? बदबू ना होने की कोई ना कोई वजह जरूर है अभिजीत, कोई ना कोई वजह जरूर है बदबू ना आने की। रेखा जी, किस किस को पता था कि आप इतने दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हैं? सर ये बात सबको पता थी। हम सब लोग यहाँ एक परिवार की तरह रहते। मैं इन सब लोग से बोल के गई थी कि मैं हफ्ते 10 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। इन लोगों के भरोसे तो छोड़ के गई थी पापा को अकेले यहाँ पर। सबको पता था है? लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि 7 दिन से उनकी लाश स्टोर रूम में पड़ी हुई है। क्या कह रहे हैं सर आप? जी हाँ। पापा से बात हुई आपकी? हाँ हाँ, मेरी आज सुबह ही दीनदयाल जी से बात हुई। तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। उस दिन तो मुझे बताया था कि पापा उसे सुबह ही मिले थे, और इन सब लोगों ने भी यही कहा था कि पापा ठीक ठाक हैं। कौन है नितिन? सर वो वहाँ पीछे पिंक शर्ट में। नितिन, आज सुबह आपकी दीनदयाल से बात हुई थी? जी। कितने बजे? 7 बजे। क्या बात हुई? कुछ नहीं, बस हालचाल पूछ रहे थे। क्या कर रहे थे दीनदयाल जी तुमसे बात जब कर रहे थे? वो अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ रहे थे, आज का या कल का? पता नहीं, आज ही का था शायद। वो मैच जीतने की कुछ बात कर रहे थे। अच्छा, जा आज का अखबार लाओ। ओके। सर इस अखबार में तो मैच के रिलेटेड कोई भी खबर नहीं है। क्या खबर है? नहीं सर, वो मैच की बात कर रहे थे। बात कर रहे थे, और किसने देखा था है? आपने देखा था? सर मैंने खुद देखा था दीनदयाल जी को। बात नहीं हुई थी उनकी मेरे से। बात नहीं हुई, कब देखा था? जी कल रात को। कल रात को आपने देखा था? आपने यूं ही हल्की सी झलक देखी थी। सब के सब झूठ बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक बुजुर्ग आदमी को कोई दिन दाड़े मार के चला गया और आप लोगों को पता भी नहीं है। रेखा जी के कहने के बाद भी आप लोग उनका हालचाल पूछने नहीं गए। खून का मामला है, खून का, सब के सब फंसोगे। झूठ पे झूठ बोल रहे हो तुम लोग। साहब दीनदयाल जी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब भी कोई उनके पास जाता तो वो कोई ना कोई काम बता देते, जैसे टीवी का चैनल बदल दो, चाय बना के दे दो, ये सामान वहाँ रख दो। अब किसी के पास इतना टाइम कहाँ है साहब, और शायद इसीलिए रेखा दीदी के जाने के बाद कोई उनकी घर की तरह भूल कर भी नहीं गया। वो आप लोगों को पसंद करते थे, इसलिए आप लोगों के साथ बैठते थे, अपना समझते थे आप लोगों को। वो
अगर पड़ोसी घर में नहीं है तो फिर कौन गया है? इतने सारे स्प्रे ऊपर रखे हुए थे, कोई खास वजह? ये कहां से आए? पापा को तो किसी भी परफ्यूम या स्प्रे से एलर्जी थी। एलर्जी थी? सर, सर फ्रिज में सिर्फ दूध के बहुत सारे पैकेट्स हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, फ्रिज में दूध के पैकेट हैं और यहाँ इतने सारे पेपर बिना पढ़े हुए। दीनदयाल जी पेपर नहीं पढ़ते थे क्या? बिल्कुल पढ़ते थे सर, इसीलिए मैं जाने से पहले न्यूज़पेपर वाले को और दूध वाले को बोल कर गई थी कि डेली देकर जाए। आज की डेट, कल की डेट, दीनदयाल जी को मरे हुए 7 दिन हो गए, उसके बाद भी दूध और पेपर आ रहा है इस घर में। जरा अखबार वाले से और दूध वाले से फोन पे बात करो, पता करो वो दूध और अखबार किसको देके जाता था। दीनदयाल जी से कुछ बातचीत हुई थी क्या? ओके सर, आप जरा मेरे साथ चलिए। कमाल है, मरने के बाद भी दूध और पेपर आ रहे थे घर में। सर, जिसने भी ये किया है वो दुनिया को यही दिखाना चाहता था कि दीनदयाल जी अभी भी जिंदा हैं। हाँ, तभी तो दीनदयाल जी के मरने के बाद भी हर रोज घर में आके ये स्प्रे करता था बॉडी पे, ताकि पड़ोसियों को लाश की बदबू ना आए। सर, सर अखबार वाला सुबह 7 बजे और दूध वाला 8 बजे आता था, और उनका कहना यह है कि वो अखबार और दूध यहीं दरवाजे के बाहर ही छोड़ के जाते थे और अगले दिन उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलता था। और हाँ सर, ना ही उन्होंने कभी दीनदयाल जी को देखा है और ना ही उनसे कभी बातचीत हुई है। अच्छा, लेकिन सर खूनी ने 1 हफ्ते तक लाश को यहाँ छुपा के क्यों रखा, ठिकाने क्यों नहीं लगाया? शायद मौका नहीं मिला होगा। रेखा जी, ये घर की चाबी किस किस के पास रहती है? सर घर की बस एक ही चाबी, पापा के पास ही रहती थी, अभी भी फ्रिज के ऊपर लटकी होगी। लेकिन सर ये बात यहाँ सब जानते थे कि पापा कभी घर लॉक नहीं करते थे। अच्छा, है तो किसी जान पहचान वाले आदमी का ही काम। मालूम था दीनदयाल जी घर में अकेले हैं और दरवाजा बंद नहीं रहता, लेकिन 8 से 9 बजे के बीच कोई आदमी यहाँ आता था, किसी को पता ही नहीं चला। सर, किसी ने देखा कैसे नहीं? अगल बगल वाला ना सही, मगर नजर के सामने वाला तो देख ही सकता है ना। बेल बजाओ इसकी। मीनू, देखो कौन आया है। हेलो आंटी। आंटी, ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी आइए। कितना बड़ा हादसा हो गया है, कम से कम अब तो आप लोग सच बोलिए। आप लोग दीनदयाल जी के घर के बिल्कुल सामने रहते हैं, कुछ तो देखा होगा आपने, किसी को आते जाते। सर दूध वाले को देखा था और न्यूज़पेपर वाले को देखा था। कितने बजे? न्यूज़पेपर वाला 7 बजे आता था और दूध वाला 8 बजे। कोई और, किसी और को? सर वो स्त्री वाले को देखा था। स्त्री वाले को? लेकिन मैं तो उसे मना करके गई थी।
क्यों क्यों मना किया था आपने? सर, मैं शहर से बाहर जा रही थी और पापा को किसी और के हाथ से इस्त्री किए हुए कपड़े पसंद नहीं आते थे। उनके कपड़े हमेशा मैं इस्त्री करती थी। फिर तो ये इस्त्री वाला ही वो दूध के पैकेट्स और न्यूज़पेपर्स अपनी अपनी जगह रखता होगा। लगता तो है। क्या नाम क्या है इस इस्त्री वाले का? सर, राम खिलावन। राम खिलावन। जी साहब। दीनदयाल जी के घर में कपड़े लेने तुम ही जाते हो? जी साहब। रेखा जी ने तुम्हें हफ्ते 10 दिन तक उनके घर जाने से मना किया था ना? हाँ साहब, मना किया था। तो फिर क्या करने गया था उनके घर? 7 दिन पहले क्या करने गया था? खून करने गया था दीनदयाल जी का, या उनकी बॉडी में डिओडोरेंट स्प्रे करने गया था ताकि बदबू ना आए? क्या कह रहे हैं साहब, पिछले 1 हफ्ते से मेरे घर से कोई भी जेजे कॉलोनी की तरफ नहीं गया। वो तो क्या आसपास भी कहीं नहीं निकला है साहब कोई घर से। झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहा है? झूठ क्यों बोलूंगा साहब, जिसका जवान बेटा पिछले 1 हफ्ते से घर से गायब हूँ, वो गलत काम के बारे में क्यों सोचेगा साहब? पिछले हफ्ते से? जी हाँ साहब, वो 7 दिनों से गायब है साहब। वो जे कॉलोनी में ही वो सारे कपड़े देने जाता है, वहीं गया था लेकिन उस दिन से वापस नहीं आया साहब। और 7 दिन पहले ही दीनदयाल जी का खून हुआ है, तुम्हारा बेटा खून करके भाग तो नहीं गया? क्या कह रहे साहब, नहीं साहब, मेरा बेटा तो साहब पुलिस की नौकरी के लिए इम्तहान देने की तैयारी कर रहा था साहब। वो पुलिस में जाना चाहता था साहब। वो उनका खून क्यों करेगा साहब? मेरे बेटे को ढूंढना ही, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब। ठीक है ठीक है, एक मिनट। वो तुम्हारे बेटे राजू का कोई फोटो वगैरह है? हाँ साहब, फोटो है साहब, ये है साहब। ये जे कॉलोनी में राजू किन किन घरों में कपड़े देने जाता था? दीनदयाल जी के अलावा उनके पड़ोस में 3 घरों में और देता था, 104, 105 और 106 में। ठीक है, हम लोग देखते हैं। इस राजू को ढूंढना बहुत जरूरी है। उसका ऐसे गायब होना, वो भी उस दिन जिस दिन दीनदयाल जी का खून हुआ है, कोई ना कोई कनेक्शन तो है। दीनदयाल के फ्लोर में जितने भी लोग हैं सबको नीचे लेके आओ। सर। आइए आइए, यहाँ पे आइए मैम, आइए। ये आप लोगों की घरों में जो स्त्री है वो राजू ही करते हैं? जी सर। आखिरी बार कब देखा था आपने? सर, करीब 10-12 दिन पहले, क्योंकि मैंने अपने कोई कपड़े इस्त्री के लिए नहीं दिए थे। सर, मैंने भी 10-12 दिन पहले देखा था। लेकिन सर, 6-7 दिन पहले सोमवार को तो वो मेरे कपड़े देके गया था। ऐसे कैसे हो सकता है? वो आपके कपड़ों की डिलीवरी दे गया और मेरे कपड़ों की नहीं दी? छोड़ूंगा नहीं, आने दो उसे। क्या हुआ? सर, पिछले 12 दिनों से मेरे कपड़े पड़े हैं उसके पास, काली पैंट और लाल शर्ट। सोमवार को आया था, आपके कपड़े दिए और आपके नहीं दिए। इनके कपड़े दिए और इनके नहीं दिए, यही तो मैं भी कह रहा हूँ सर। मेरी लाल शर्ट और काली पतलून उसी के पास क्यों है? तो हुआ कुछ ऐसा होगा, इनके कपड़े देने के बाद राजू ने उस फ्लोर में कुछ ऐसा देखा कि इनके कपड़े देना भूल गया और कहीं और चला गया। लेकिन सर कहाँ? दीनदयाल जी के घर। वहां पे उसने कुछ ऐसा देखा कि इनके कपड़े भूल गया और
क्या क्या रंग बताया था कपड़ों का? लाल शर्ट और काली पतलून सर। लाल शर्ट काली पतलून। एक मिनट रेखा जी। ये कपड़े दीनदयाल जी के हैं क्या? नहीं सर, पापा तो लाइट कलर के कपड़े पहनते थे। फिर ये कपड़े किसके हैं? ये कपड़े आपके पड़ोसी के हैं। सर आपका अंदाजा सही निकला। अंदाजा नहीं जयवंती, अब तो पूरे यकीन हो गया है कि जब खूनी यहाँ पे दीनदयाल जी का मर्डर कर रहा था, राजू यहाँ पे कपड़ों की डिलीवरी करने आया था, उसने दीनदयाल जी का खून होते हुए देखा और घबराहट के मारे उसके हाथ से कपड़े नीचे गिर गए। और सर जैसे ही खूनी ने राजू को देखा उसे मार दिया। खूनी को लगा कि ये कपड़े दीनदयाल जी के हैं, इसलिए उसने कपड़े उठा के वहां अलमारी में रख दिए और यहाँ सब कुछ ठीक ठाक करके निकल गया। सर अगर खूनी ने राजू को मार दिया है तो उसकी लाश कहाँ गई? यहाँ पे तो सिर्फ दीनदयाल जी की लाश थी। लाश बाहर ले जाता तो कोई ना कोई तो देख लेता। मतलब लाश अभी भी बिल्डिंग में कहीं पे है। पूरी बिल्डिंग छान मारते हैं। देखो जरा। राजू 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 जिंदा है, हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो जल्दी। सर हेलो, इसे बढ़ा दो और 15 मिनट के बाद इसे नीली वाली गोली देना। ओके कैसी तबीयत है राजू की? मरीज की हालत बहुत ही नाजुक है सर। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब या एक्चुअली क्या सिचुएशन है? सर इट्स ए मिरेकल कि राजू जिंदा है, वरना 7 दिन तक बगैर कोई इलाज किए और खाए पिए जिंदा रहना इज एन अचीवमेंट सर। सर आप उसे इन वक्त पे ना लाते तो सब ऐसा है कि ये एक इम्पोर्टेंट केस का गवाह है। हमारा इससे बात करना बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको कब तक होश में आ जाएगा? सर सच को मुझे भी नहीं पता सर, क्योंकि राजू बहुत ही जख्मी और डिहाइड्रेटेड हो गया सर। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उसे होश में लाए, पर सर फिलहाल से कुछ ठीक से नहीं कह पाते। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट सर। ओके डॉक्टर, थैंक यू। साहब आप मेरे बच्चे को ढूंढ लाए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। भगवान ने चाहा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा और आपकी तरह साहब एक नए पुलिस अफसर बनेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, राजू ठीक हो जाएगा। हैं अभी आप आराम कर लीजिए। पंकज इनको जरा
आई आई। सर, अगर राजू को होश नहीं आया तो? होश में आने का हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। खूनी खुला घूम रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सर, बिल्डिंग के एक आदमी ने बताया कि उसने 3 दिन पहले दीनदयाल जी के घर में एक लॉन्ड्री वाले को जाते हुए देखा था, शाम 7 बजे। और इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि वॉचमैन का कहना है कि उसने 7 बजे किसी बाहर वाले आदमी को बिल्डिंग के अंदर आते नहीं देखा है, वो गेट पे ही खड़ा था। तो फिर अभिजीत, अगर बाहर का कोई नहीं आया तो फिर वो आदमी बिल्डिंग के अंदर रहने वाला ही है, जो लॉन्ड्री वाले के भेस में दीनदयाल जी के घर में जाकर उनकी लाश पर डिओडोरेंट स्प्रे मारता था। अभिजीत, पता लगाना पड़ेगा 8 और 9 बजे के बीच, मतलब जब खून हुआ सुबह के 8 और 9 बजे के बीच, उस वक्त बिल्डिंग के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे और कौन लोग बिल्डिंग में रहने वाले बाहर गए थे काम के लिए। जरूर बिल्डिंग का ही कोई हो सकता है खूनी। ओके रजत ना, या थैंक यू वेरी मच। सर, फ्लैट नंबर 301 में रहने वाला रजत, 201 का राजेश और 402 में रहने वाला नितिन, ये 3 लोग मौजूद थे सर। तो फिर अभिजीत, अभी पता लगाना पड़ेगा इन 3 में से हट्टा कट्टा कौन है, क्योंकि कोई हट्टा कट्टा आदमी ही दीनदयाल जी को मारकर उनकी लाश को घसीट कर स्टोर रूम में ले जा सकता है और उस लॉन्ड्री वाले राजू को टेरेस पर। सर, हमारे पास बिल्डिंग का रिकॉर्ड है, अभी पता चल जाएगा। ये तो सर तीनों के तीनों हट्टे कट्टे लग रहे हैं, कोई भी खून कर सकता है। तो फिर अभिजीत, इन 3 पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, खूनी इन 3 में से कोई एक है। और एक बात, लॉन्ड्री वाला राजू जो अभी भी हॉस्पिटल में है, खूनी को पता चल गया होगा कि राजू मरा नहीं जिंदा है, वो फिर से उसे मारने की कोशिश करेगा हॉस्पिटल में। राजू पर भी नजर रखनी पड़ेगी। कुछ दिखा? 3 के 3 घर चेक कर लिए, लेकिन सर 3 के 3 घर पे ही हैं। हिलना मत वहां से, नजर रखे रहो कौन क्या कर रहा है। ओके सर, 3 में से एक बंदा घर से बाहर निकला है। कहां जा रहा है उसके ऊपर नजर रखो, पीछा करो उसका। सर, आगे गली में राइट लिया उसने। ओके सर, हम उसके पीछे ही हैं। माय गॉड सर, सर ये तो हॉस्पिटल की तरफ मुड़ा है। क्या हॉस्पिटल की तरफ?
अच्छा गया। एक मिनट मैं देखता हूँ हुई कोई और है। इस पेशेंट को 2 घंटे के बाद इंजेक्शन देते रहना और हर एक घंटे के बाद इसे चेक करते रहना। ओके या अभिजीत सर कहाँ गए? दीनदयाल जी को बताओ उनके घर के लिए। घर के लिए? कौन सा घर? वो घर मुझे चाहिए था। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था सर, मैं तो बस उन्हें डराने धमकाने के लिए उनके घर गया था, पर वो घर देने को तैयार नहीं हो रहे थे सर। मैं पूरी कीमत देने को तैयार था पर वो नहीं मान रहे थे सर। उस दिन जब उनके घर गया तो चाय पियोगे? नहीं जल्दी में हूँ मैं। मेरी टीवी खराब है देख लेता और चाय भी पी लेता। देखिए ना मैं चाय पीने आया हूँ ना आपके फालतू के काम करने आया हूँ यहाँ पे मैं। देखिए आप टाइम पास बंद कीजिए, साइन कीजिए इस पे। अभी भी तू इसी बात पर अड़ा है? मैंने तुमसे कह दिया मुझे अपना मकान नहीं बेचना है, वो मेरा अकेले का नहीं है, रेखा का भी तो है। आखिर मेरे बाद रेखा का कौन है? कौन सी आपसे भीख मांग रहा हूँ मैं? मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ ना आपको मैं? मेरे भाई ने वहां लोन ले लिया।
पर साइन कीजिए जल्दी से। मैंने कह दिया मुझे नहीं बेचना है, बात खत्म हो गई। क्यों नहीं बेचना आपको? कह दिया नहीं बेचना है, नहीं बेचना है। मुझे कुछ सोच नहीं रहा था कि मैं लाश को ठिकाने कैसे लगाऊं। मेरा भाई भी बाहर गया हुआ था, हफ्ते बाद लौटता तो एक हफ्ते तक मैं उनके घर रोज जाने लगा। हर रोज डिओड्रेंट स्प्रे करने के लिए डिओड्रेंट, ताकि दीनदयाल जी की लाश में से बदबू ना आ जाए, है ना? Yes. अगर शुक्र है कि वो लॉन्ड्री वाला लड़का राजू बच गया, उसने सब कुछ देख लिया था, इसलिए तुमने उसे मारा। तुम्हें लगा कि वो मर गया, मगर नहीं, वो बेहोश था। घर चाहिए था ना तुम्हें, घर चाहिए था ना, मुझसे कहते मैं 10 घर तुम्हारे नाम कर देती। पापा को मारने की क्या जरूरत थी? सर गलती हो गई सर, सर माफ कर दीजिए सर। कोई गलती नहीं की तुमने, जानबूझकर किया ये सब लालच के लिए। ऐसे तो दुनिया में कितने सारे बुजुर्ग बूढ़े लोग रहते हैं, उनकी उम्र का तुम नाजायज फायदा उठाते हो लालच के लिए। तुम्हें तो कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। सर गलती होगी सर, सर माफ कर दीजिए सर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.